मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। कई बार कुछ लोगों को गुदा द्वार के अंदर बहुत तेज पेन हो जाता है और खास तौर पर जब वो लैट्रिन पास करते हैं तो उसके बाद उनको बहुत तेज दर्द होता है और लैट्रिन पास करते हुए भी उनको बहुत दर्द होता है। तो उसका कारण होता है कि उसके गुदा द्वार के अंदर जो है कोई फिशर बन जाता है, मतलब क्रैक हो जाता है। जो एनस होता है उसके ऊपर जो म्यूकस लाइनिंग होती है उसके अंदर किसी तरह से क्रैक आ जाए तो जिससे वो झिल्ली फटी हुई होती है, तो फिर उससे वहाँ पर बहुत पेन होता है क्योंकि नर्व एंडिंग्स वहाँ पे बहुत क्लियर होती हैं। और जब स्टूल से लगता हुआ जाता है या पानी लगता है तो उससे फिर उसको बहुत तेज दर्द होता है। कुछ लोगों को तो यह दर्द कई घंटों तक रहता है मोशन पास करने के बाद भी, तो उससे की वजह से फिर वो लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। हालांकि एनल पेन के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन आज जो हमारा फोकस है वो ये है कि एनल फिशर की वजह से क्या क्या है उसे ये दिक्कत होती है। तो ये दर्द बहुत हल्का भी हो सकता है और जैसे मैंने बताया बहुत तेज भी हो सकता है, और ये थोड़ी देर भी हो सकता है कि 5-7 मिनट रहा, और कई घंटे तक भी चल सकता है जैसे मैंने अभी आपको बताया था। और जब चेक किया जाता है तो वहाँ पे बिल्कुल विजिबली क्रैक डॉक्टर को नज़र आता है और उससे वो फिर बता देता है कि यहाँ पर इसको ये इसकी वजह है। और इसकी फिर वजह क्या होती है कि जो इस तरह से म्यूकस लाइनिंग जो फटती है उसके कारण ये होता है कि जब व्यक्ति को बहुत हार्ड स्टूल आता है और बहुत जोर लगा के करता है तो फिर म्यूकस लाइनिंग नेचुरली है कि वहाँ से वो क्रैक हो जाएगी, तो और उसकी वजह से फिर दर्द होता है। तो या फिर जिसको रेगुलर कॉन्स्टिपेशन रहती है तो फिर कॉन्स्टिपेशन के अंदर भी क्योंकि हार्ड स्टूल आएगा तो फिर ऐसा होगा। हाँ, लेकिन जो लोग रोज भी लैट्रिन जा रहे हैं लेकिन हार्ड स्टूल आ रहा है तो उनको फिर ये दिक्कत हो सकती है। और इवन हार्ड स्टूल की बात नहीं, कुछ लोगों को अगर जो उनको क्रॉनिक डायरिया रहता हो, मतलब कई बार ही दिन में जाना पड़ता है पर लेकिन मोशन जो है सॉफ्ट है, स्टूल उसका सॉफ्ट है, तो फिर भी उसको ये इस तरह की दिक्कत आ सकती है। प्रेगनेंसी के अंदर भी, चाइल्ड बर्थ के टाइम पर भी कुछ महिलाओं को इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि एनल फिशर उनको हो जाती हैं। तो ये बहुत कॉमन वो हैं इसके कारण जिसकी वजह से ही होता है। और एक जो बहुत कम रेयर कंडीशन भी होती है जिनकी वजह से भी ऐसा हो सकता है, जिस तरह किसी को IBS की बीमारी हो तो उसको भी ये एनल फिशर हो सकते हैं, या एनल के अंदर कैंसर हो जाए उसकी वजह से भी हो सकते हैं फिशर, या HIV की बीमारी हो, या TB की बीमारी हो जाए, या सिफिलिस की बीमारी हो जाए, तो उनकी वजह से भी ये इस तरह के एनल फिशर हो जाते हैं। हालांकि इन बीमारियों की वजह से काफ़ी कम देखने में आते हैं लेकिन फिर भी हो जाते हैं। तो इसके अंदर अगर इसको ध्यान ना दिया जाए, इसको ठीक ना करवाया जाए इस बीमारी को, तो फिर कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। और कॉम्प्लिकेशन के अंदर क्या होगा कि ये जो फिशर हैं ये फिर ठीक नहीं होके देते हैं बहुत टाइम तक, और ठीक भी होते हैं तो फिर दोबारा से ये होने शुरू हो जाते हैं। ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस इस तरह की है, या फिर वो टीयर जो है बढ़ के नीचे अंदर पूरे इनर जो हमारा रिंग होता है वहाँ तक भी पहुँच जाते हैं, तो इस तरह से फिर रोगी को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है। और यह बार बार जिस तरह से मैंने बताया हो सकती है। तो प्रिवेंशन के लिए क्या है कि एक तो रोगी को स्टूल बिल्कुल सॉफ्ट आना चाहिए, एक दो बार ही जाना चाहिए दिन में। तो सॉफ्ट स्टूल के लिए यह कि वो हाई फाइबर वाली डाइट ले, सलाद ज़्यादा ले, फ्रूट ज़्यादा ले, या इसबगोल का भी प्रयोग कर सकता है जिससे कि वो उसके अंदर हाई फाइबर कंटेंट होते हैं, तो उससे जो स्टूल आएगा वो बल्कि आएगा और वो हार्ड नहीं हो पाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। लेकिन इसके बावजूद भी अगर रोगी को ठीक नहीं होता है या दिक्कत हो रही है तो फिर उसके लिए होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी अच्छी दवाइयाँ जिनका हम प्रयोग करके उसको ठीक कर दें, क्योंकि हमने सारी बीमारियाँ होम्योपैथी से बहुत अच्छे से ठीक करना मैंने आपको बताता ही हूँ। कि जिस तरह से अगर एक दवाई है कैमोमिला के अंदर जो है रोगी अधिकतर जो बच्चे होते हैं जो बहुत चिड़चिड़े टाइप के होते हैं, अगर उनको इस तरह की एनल फिशर की दिक्कत हो कि जब भी स्टूल पास करता है तो बहुत जोर जोर के रोता है और फिर वो जाना ही बंद कर देता है, कहता मैं जाऊँगा अगर स्टूल पास करने के लिए तो फिर मेरे को दर्द होगा, तो फिर वो उसको रोक के रखने की कोशिश करते हैं बच्चे, क्योंकि उनको तो ये बात पता नहीं होती, लेकिन उनको कैमोमिला दे के हम ये पूर्णतया ठीक कर देते हैं ऐसे ऐसे रोगियों को। और इसकी एक बहुत अच्छी दवाई ग्रेफाइटिस, जिन रोगियों के अंदर स्किन की डिसीज का भी इतिहास हो कि उनको कोई एक्जिमा वगैरह रहता हो और स्टूल हार्ड आ रहा है, थोड़े मोटे हैं बल्कि हैं, तो उनके अंदर ग्रेफाइटिस नाम की दवाई एक बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन लोगों को इन फिशर की वजह से बहुत तेज पेन होता है और कई घंटे तक पेन चलता है तो उसके अंदर एसिड नाइट्रिक नाम की दवाई फिर बहुत ही अच्छा काम करती है। एक दवाई इसकी स्पेसिफिक है रेटेनिया देने से किसी भी तरह का एनल फिशर वो अधिकतर ठीक हो जाते हैं, उसके अंदर फिर ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है रोगी को, नहीं ठीक हो तो फिर वो डॉक्टर दूसरी कुछ और दवाइयाँ देता है। और जिन महिलाओं को जैसे मैं बताया चाइल्ड बर्थ के टाइम पे अगर एनल फिशर हो जाते हैं तो फिर उसके अंदर CPN नाम की दवाई बहुत अच्छा काम करती है। अगर कोई दवाइयों से काम ना चले और ये लगे कि एंटीसाइकोटिक मायजम का पेशेंट है और इसको पहले वैक्सीन भी कुछ लगी है उसके बाद इसको ये रोग हुआ है, तो फिर उसके अंदर थूजा नाम की एक दवाई बहुत अच्छा काम करती है। हालांकि दवाइयां तो करीब 54 हैं इसके लिए, लेकिन सभी का यहाँ पे जिक्र करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो मेन दवाइयां होती हैं वो मैंने सारी आपको बताई हैं जिनके प्रयोग से जो अधिकतर रोगी ठीक हो जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।